देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। और जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में भेज दिया जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने नहीं किया है और आपने अभी सब्सक्राइब किया तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप हमारे यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल काम अपने हाथों से सीखेंगे। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक रेडमी का मोबाइल है और इसके अंदर जो लगा हुआ है MI अकाउंट है, ठीक है। इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे वो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो टेस्ट पॉइंट होते हैं, ATL पॉइंट, इन पे चिमटी लगानी है। और ज़रूरी नहीं है एक बार में ये कनेक्ट हो जाए, तो एक बार दो बार में आपको कनेक्ट करके देखना है। जैसे ही आपका सिस्टम कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, उसके बाद आपको इसका क्या प्रोसेस करना है वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसको कनेक्ट होने के बाद में चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन कनेक्ट है या नहीं है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, कहीं से भी आते हैं, कितनी भी बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको जो यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है उनके हाथों के द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ही जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो अपने हाथों से खुद काम करते हैं। ये नहीं है टीचर ने करके दिखा दिया तो उससे आपका काम हो गया और आप सीख गए, नहीं, ऐसा नहीं सीख सकते। जब तक आप अपने हाथों से अच्छा बुरा काम नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फ़ीस अभी वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको कि 26,000 फीस है, जिसमें कि रहना खाना फ्री है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, मोबाइल का चिप लेवल बेसिक टू एडवांस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूरा। अब यहाँ पर जो इसका कोम बनाएंगे, कोम बनाने के बाद में देखिए, अभी फ़ोन ऑन था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसकी बैटरी कनेक्टर जो निकाल दिया। इसके बाद में फ़ोन को दोबारा से कनेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इसका MI अकाउंट जो, उसको अनलॉक करेंगे। वीडियो हमारे थोड़े से लंबे रहते हैं क्योंकि उसमें हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पर चिमटी रखेंगे और फ़ोन जो है चेक करेंगे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। बाहर से आने वाले छात्र आने से पहले अपना रूम PG को बुक करा लें। तो देखिए, हमारा फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है कंप्यूटर के अंदर, Redmi 5A। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सिंपल सा जाना है टूल के अंदर, जो टूल है हमारा अल्टीमेट मल्टी टूल है, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर लिख रहा है रीसेट MI अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस कर देना है आपको, और यहाँ पर भी फिर से यस करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, हमारी प्रोसेसिंग चलेगी, फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ वेट करेंगे, थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन जो है, जो आप मैसेज देख रहे हैं यहाँ पर, डन आ जाएगा। फिर उसके लिए FRP के लिए पूछेगा, FRP आपको हटाना है तो आप उसको यस या नो कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे FRP इनके द्वारा हटवानी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके सीखना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर FRP का मैसेज आएगा, तब यहाँ पर यस करेंगे। तो देखिए, ये प्रोसेसिंग चल रही है, यूजर डाटा फॉर्मेट हो रहा है इसका। अभी ये FRP के लिए पूछ रहा है आपको हटाना है, तो ये मैं इनसे कह देता हूँ यस कर दो। चलो यहाँ पे यस पे क्लिक करें, ये यस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे वेट करेंगे। अब यस पे क्लिक करने के बाद में हमारी FRP डन, डन होने के बाद में फ़ोन को ऑन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप फ़ोन को ऑन करेंगे यहाँ पर, तो 8 से 10 मिनट फ़ोन ऑन होने में हमारी लग जाती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टूडेंट जो हमारे इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, सबके ये वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से सब अपने हाथों से ही प्रैक्टिकल करते हैं। और जब तक प्रैक्टिकल आप अपने हाथों से नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और जो भी प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, और हमारा जो फीस 26,000 है, जिसमें कि आपका रहना खाना फ्री है, और आने से पहले आप अपना रूम सीट को बुक करा लें। ये फ़ोन यहाँ पर ऑन कर दिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो इसको इंतजार करेंगे। या वीडियो यहाँ पे मैं आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे कि स्किप भी ना होगा और आपको पूरा अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, क्योंकि इसे ऑन होने में टाइम लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, अभी लंच टाइम था, तो यहाँ पर लंच टाइम में जो रिपेयरिंग करते हैं वो अपना रिपेयर कर लेते हैं, और बाकी के टाइम प्रैक्टिकल पूरा होता ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट अपने हाथों से काम करते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट होने के बाद फ़ोन हमारा ऑन होगा। देखिए, ये MIUI 9 पे रुका। अब यहाँ पर जो फ़ोन के स्टेप होते हैं आपको आगे के
नेक्स्ट 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 या स्किप जो भी आता है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है और उसके बाद हमारा फ़ोन जो ऑन हो जाएगा। MI अकाउंट था इसमें, वो हट चुका है, अनलॉक हो चुका है। इसके बाद अब जो भी इसके प्रोसेस हैं वो आपको आगे चेक करना है, जो भी प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे आपको चेक करने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इनको जो रीजन है हमारा कंट्री उसको सेलेक्ट करेंगे इंडिया। कहने का मतलब है मेरा, जब आप नया फ़ोन लेते हैं या रीसेट मारते हैं जो भी इसमें सेटिंग होती है फ़ोन की, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। और वीडियो में मैंने आपको बताया एक किस तरीके से लॉक खोला जाता है अल्टीमेट मल्टी टूल से। तो आप ये करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास में जो भी दुकान वाले भाई हैं उनसे जाके कराएं, और जिनको नहीं आता वो ना करें, क्योंकि आप डेड भी फ़ोन को कर सकते हैं, डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, आप अपने हाथ से कोई काम ना करें, काम नहीं जानते तो, और आप काम जानते हो तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, और आपके आसपास में जो भी दुकान है उस पर जाके करा सकते हैं, आपको नहीं आता है तो। लेकिन आप बिना सीखे इन कामों को ना करें, इसमें रिस्क रहता है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो भी मैसेज है उसका वेट करेंगे, सेटअप कम्प्लीट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये नहीं सोचना कि हैंगन लोग हो गया। तो यहाँ पे 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक फ़ोन कोई कोई ले जाता है। तो यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा और फ़ोन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और एक दो बार ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ स्क्रीन इसकी होगी, रिस्टार्ट होगा इस तरीके से, और फ़ोन हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी भाई आना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन सीट बुकिंग करा सकते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं मेरे यहाँ पर, बस आने से पहले एक हफ्ते पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आपका सीट कन्फर्म हो जाता है। और हमारा फ़ोन देखिए यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।